फ्रेंड्स, कोई भी हार्डशिप या फिर डिफिकल्ट सिचुएशन हम सबको कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है। अगर हम सीख जाते हैं तो हम जीत जाते हैं, और अगर हम नहीं सीखते तो वो प्रॉब्लम दोबारा हमारे सामने आके खड़ी हो जाती है। ये जो COVID-19 या फिर कोरोना वायरस की सिचुएशन है, ये जो प्रॉब्लम है जिसने हम सबको आज लॉकडाउन में लाकर खड़ा कर दिया है, ये भी हमें कुछ सिखा रही है, लेसन दे रही है कि अब वक्त आ गया है, हम सबको मिलकर चेंजेस लाने हैं, इस वॉर को जीतना है और मेक श्योर करना है कि इस तरह की प्रॉब्लम दोबारा हमारे सामने ना आए। हर कोई आज कह रहा है कि अपनी हेल्थ में इन्वेस्ट करो। आज पूरे वर्ल्ड में यही चर्चा हो रही है कि अपने हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का टाइम आ गया है। यहाँ पर मैं आपको ये कहूंगी कि अगर आप अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्लान कर रहे हैं तो उसको एक एडवाइजर के थ्रू ही करें, क्योंकि एक एडवाइजर आज की डेट में न केवल आपको कॉन्टैक्टलेस इंश्योरेंस दे रहा है, बल्कि क्लेम आने पर, हॉस्पिटलाइजेशन आने पर आपके क्लेम को वो काफी स्मूथ बनाता है, वो कंपनी और आपके बीच में आए हुए मिसकम्युनिकेशन को भी दूर करता है। और ये सब चीजें डायरेक्ट ऑनलाइन पॉलिसी में पॉसिबल नहीं है आज की डेट में। सो फ्रेंड्स, ऐसे कई लेसन्स में से पहला और डुएबल लेसन है कि हमें अपने परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, और सम एश्योर्ड को इतना लेना चाहिए कि कोई भी बीमारी या फिर COVID-19 जैसी बीमारी का हम लोग डटकर मुकाबला कर सकें। ऐसी कोई भी सिचुएशन आए तो हमें वो फाइनेंशियली पीछे ना धकेल दे। इस सब को डिटेल में जानने से पहले, मेरा नाम शिखा है और मैं एक इंश्योरेंस कंसल्टेंट हूँ। आइए इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि COVID-19 जैसी बीमारियों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस की क्या इम्पोर्टेंस है। फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस की इम्पोर्टेंस को बताने के लिए यहाँ पर मैं आपको एक मूवी का एग्जाम्पल देती हूँ। ईयर 2014 में एक मूवी आई थी किक, जिसके हीरो थे सलमान खान। उन्होंने इसमें डेविल यानी देवीलाल का किरदार निभाया था। इस मूवी में उनके पड़ोस में एक कपल होता है जिनकी एक छोटी सी बच्ची होती है, जिसको अचानक एक कैंसरस ट्यूमर ब्रेन में डिटेक्ट होता है, और उस कपल की फाइनेंशियल स्टैंडिंग की वजह से वो कपल उस बच्ची का इलाज नहीं करवा पाते, और वहां पर डेविल यानी देवीलाल सलमान खान उस बच्ची की ट्रीटमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। उस मूवी में आगे क्या होता है ये तो आप मूवी देखकर ही जानेंगे, पर यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि अगर समय रहते ही उस कपल ने अपने परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लिया होता तो ये नौबत नहीं आती, और बिना किसी तकलीफ के ये ऑपरेशन हो जाता और सब कुछ नॉर्मल ही रहता। खैर, ये तो थी एक मूवी की स्टोरी, पर इतिहास गवाह है कि अगर परिवार के किसी भी सदस्य पे कोई सीरियस बीमारी आती है और अगर उस फैमिली की फाइनेंशियल स्टैंडिंग अच्छी नहीं है तो उनके घर तक बिक जाते हैं। इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस किसी भी सीरियस बीमारी या फिर COVID-19 जैसी बीमारी के लिए बहुत जरूरी है, जो कि हॉस्पिटलाइजेशन होने पर ना सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा बियर करती है बल्कि आपको, आपकी फैमिली को एक फाइनेंशियल लॉस से भी बचाती है। फ्रेंड्स, मेडिकल इंश्योरेंस होने के काफी इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। सबसे बड़ा और मेन रीजन जो है वो है कैशलेस ट्रीटमेंट। अगर आपके पास अपनी हेल्थ पॉलिसी है तो आप किसी भी बड़े हॉस्पिटल में किसी भी बीमारी का कैशलेस ट्रीटमेंट ले सकते हैं। दूसरा बड़ा रीजन है हाई मेडिकल इन्फ्लेशन। हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई भी टेस्ट, प्रोसीजर या फिर सर्जरी की जो हाई मेडिकल इन्फ्लेशन वाली कॉस्ट है वो किसी भी बीमारी के इलाज को बहुत महंगा करती जा रही है। अगर आपके पास एक प्रॉपर कवर वाली हेल्थ पॉलिसी है तो आप निश्चिंत रहते हैं। फ्रेंड्स, तीसरा बड़ा रीजन है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। WHO के सर्वे के अकॉर्डिंग रूरल इंडिया में 47% और अर्बन इंडिया में 31% लोग अपने ट्रीटमेंट का, अपने हॉस्पिटलाइजेशन का जो बिल पे करते हैं वो अपने असेट्स को बेचकर पे करते हैं। अगर आप इस धक्के से बचना चाहते हैं तो आपके पास अपना हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। चौथा बड़ा रीजन है क्वालिटी ट्रीटमेंट। अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सर्जरी कराने के लिए महीनों वेट नहीं करना पड़ता। आप अच्छे से अच्छे और बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जल्द से जल्द अपना क्वालिटी ट्रीटमेंट ले सकते हैं।
फ्रेंड्स, पांचवा बड़ा रीजन हेल्थ इंश्योरेंस लेने का है कि वो आपकी सेविंग्स को प्रोटेक्ट करता है। फैमिली में किसी भी तरह की कभी कोई हॉस्पिटलाइजेशन आती है तो सबसे पहले आपकी सेविंग अफेक्ट होती है। अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो ना सिर्फ आपका हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट कैशलेस होता है, बल्कि उस प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन जो भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं वो सारा खर्च आपको हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी रीइंबर्स करती है। और अगर ये हेल्थ इंश्योरेंस किसी एडवाइजर के थ्रू है तो आपको किसी भी तरह की आपके ट्रीटमेंट में कोई दिक्कत नहीं आती। सारा कम्युनिकेशन, जो मिसकम्युनिकेशन रादर होता है कंपनी और आपके बीच में, वो सब एक एडवाइजर ही टेक केयर करता है उस टाइम पर। फ्रेंड्स, छठा बड़ा रीजन हेल्थ इंश्योरेंस का है कि अगर आपके पास फैमिली फ्लोटर प्लान है तो आपकी कंप्लीट फैमिली सुरक्षित है। और COVID-19 या फिर कोरोना वायरस ने आज हमें जगा दिया है। आज वक्त आ गया कि हम सबके पास अपना हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस ऑलरेडी है और वो 5 लाख या फिर 5 लाख से कम अमाउंट का है तो जल्दी ही आपको अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए टॉपअप प्लान को प्लान करना चाहिए। ये टॉपअप प्लान एक सस्ता प्लान है, ये थोड़े ही पैसों में कंप्लीट कवरेज देता है, बहुत पॉकेट फ्रेंडली प्लान है। इस पर भी मैंने काफी वीडियोस बनाए हुए हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो फ्रेंड्स, लास्ट में हाथ जोड़कर मेरी आप सबसे ये विनती है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी इस लॉकडाउन के टाइम पे जो भी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उन्हें फॉलो करें। ये इंस्ट्रक्शंस हमारे लिए हैं और इस कोरोना वायरस की जंग को जीत कर दिखाएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।